देखिए किस तरह से मरीजों के जो परिजन हैं वो सफदरजंग अस्पताल में आकर के परेशान हो रहे हैं। अभी एक माँ की व्यथा देखिए, उनके बेटे का जो है ऑपरेशन होना है लेकिन अभी तक की सर्जरी हुई नहीं है, और ये ज़रूर आपको जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ इनके इतनी है कि ये भटक रहे इस तकलीफ में भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना बेगम है। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से आए हैं। बिहार से यहाँ इलाज कराने के लिए? जी, एक बार यहाँ हो चुका ऑपरेशन, एक ऑपरेशन हो चुका 7 तारीख का, 2-4 दिन का टाइम दी थे। अपने बेटे का इलाज कराने? जी, बेटी का इलाज, बेटा का इलाज कराने आया हुआ है। आँत फट गया था, क्या आँत फट गया था, फिर बोला कि 3 महीने में इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन सही हो गया, सक्सेस हो गया, फिर हम यहीं आए और कहीं नहीं जाएंगे। देखभाल कुछ कर नहीं रहा, मतलब चेक कर रहे हैं, हमें कम से कम दर्द हमारा कर रहा है पेट तो, कम से कम देखे डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब दर्द को छू रहे हैं। बहुत दर्द है आपकी? दर्द बहुत होता है, रात में भी दिन में भी, जब देखो दर्द होते रहता है, बैठ नहीं सकता, नहीं उठ सकता हूँ, दर्द के मारे परेशान हूँ मैं। ये देख रहे हैं कितने, इतनी सी निकले थे वो कितने सारे निकल गए हैं, और वो बहुत दर्द कर रहे हैं। कितनी तकलीफ में है? बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। कितना परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चा लेकर के, इतना बड़ा औलाद है लेके, इतना भटकना पड़ रहा है यहाँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं हमारे मांगे पूरी कर दे फिर हड़ताल हम खोल देंगे, बट उनकी, लेकिन इस हड़ताल के बीच में आपकी बेटी की जो तकलीफ है क्या वो किसी को? कोई भी नहीं देख रहे, कोई भी नहीं, क्या करे ये हड़ताल हम क्या करे, जिनके पास जा रहे हैं वही बात बोल रहे हैं, ये हड़ताल हम क्या करे, कोई भी नहीं ले रहा है, छू भी नहीं रहे, कोई देख भी नहीं रहे। वो भेज रहे वहाँ जाओ, वो बोल रहे वहाँ जाओ। कितने आपको भागना पड़ रहा है, कितना आपको दौड़ना? रोज आ रहे जा रहे, डेली आ रहे जा रहे, डेली आ रहे जा रहे, डेली किराया लगता है मुझे। तुगलकाबाद से आते हैं हम यहाँ, 300 रुपये डेली किराया लग रहा है मुझे आने का, 150 रुपये इधर से जाने का, 150 रुपये आने का, फिर भी मेरा परेशानी नहीं दिख रहा। नहीं डॉक्टर क्या कम से कम चेक करके दवाई तो लिख दे, अरे ऑपरेशन नहीं करो तो दवाई लिख दो, दवाई भी नहीं लिख रहे डॉक्टर। तो दर्द जो इनको होता है इतना ज्यादा, तो आप दवा भी नहीं लिख रहे हैं, तो घर में कितनी परेशानी होती है? आज लिखे, आज दवाई लिख के दिए डॉक्टर साहब ने, बोला ये दवाई खाओ। आज लिख के दी दादी, किधर दीदी से? देखो क्या कहेंगी आंटी आप इस हड़ताल के बारे में, आंटी से आप बताइए कि क्या कहेंगी कि ये जो हो रही है डॉक्टर्स को? जल्दी डॉक्टर साहब का मांगे हैं पूरी कर दे और खुल जाए तो बहुत अच्छे, बहुत मरीज ऐसे हो रहे हैं, जिस तरह से हम भटक रहे हैं बहुत ऐसा मरीज भटक रहे हैं, सरकार उनकी मांग पूरी कर दे हो फिर खुल जाएगा। कितना आप लोग जो है उम्मीदों से यहाँ पे आए थे? से आए हैं बिहार से, हम आए बहुत मजबूरी से आए बिहार से आए। कैसे मजबूरी? यही लड़का का आँत फट गया था, यहाँ हो गया, बहुत अच्छे हो गए, खूब अच्छे से हो गया, फिर उम्मीद लेके फिर आए, लेकिन हड़ताल 15 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, 20 दिन से यहीं पड़े हुए। हाँ पड़े हुए यहाँ, क्या करें, रहना सहना सब किराए का होता है हमारा, गांव थोड़ा ना घर पे आके खाना पीना खाएंगे, सब चीज़ किराया होता है, पानी भी पीते तो खाने रुपए से ही लगता है, पानी भी हर चीज़ में पैसे से लगता है, फ्री में कुछ भी नहीं हो रहा है, और दर्द तो ऐसे कहाँ से जुटा रही हैं आप, तो इतने दिन का रहने का सोच के नहीं आई होंगी? बहुत मुसीबत से पैसे जुटा करके हम आए, बहुत मुसीबत से मांग चांग के लेके हम आए। अभी हैं पैसे या खत्म? अभी थोड़े बहुत है पास में, कि थोड़े बहुत है, उसी से खा भी रहे, उसी से रूम भरा भी चल रहा, पानी भी चल रहा, दवाई भी चल रहा, प्राइवेट दवाई कर रहे हैं, कि प्राइवेट दवाई ला के खिला रहे। कितना अभी ये जो दर्द है, तकलीफ है, क्या ये बर्दाश्त हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है मैडम, रात में दर्द हो पा नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं दवाई खा करके, डॉक्टर जो लिखता है दवाई वही खाता हूँ, फिर जब थोड़ा बहुत आराम होता है वो भी, फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ दर्द को महसूस करने के लिए, मैं दर्द बहुत पीता हूँ अपने आप को, लेकिन दर्द मैं महसूस नहीं कर सकता, इतना दर्द होता है कि मैं कभी कदर उठ नहीं सकता, मैं किसी चीज़ के लिए ना बैठ सकता हूँ दर्द के मारे। देख सकते हैं आप कैसे हो गए हैं, ये कितने लंबे हो गए हैं, ये छोटे से थे अब कितने बड़े हो गए, पेट से ये आंत निकल रहे हैं हमारे बाहर, ये अभी तक देखभाल नहीं हुआ डॉक्टर का। इस हाल में देख पाना कितना कठिन है आपको अपने? बहुत कठिन हो रहा, बहुत कठिन हो रहा मैम। आप लोग देख नहीं पा रहे, हम लोग तो सफाई करते हैं इनका, तो उस टाइम कैसा महसूस होता है वो हम लोग को पता होता। नहीं देखा जा रहा भैया, बहुत खराब है, बट बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा, मगर बस यही सरकार से गुजारिश है जितना जल्दी हो इनकी मांगे पूरी कर दो और डॉक्टर बैठना चालू कर दे। क्या नाम है आपका? प्रिया। तो ये बताइए कि किस चीज़ का इलाज कराने के आई थी? हर्निया। हर्निया का?
हाँ जी, तो क्या हुआ फिर? अभी डॉक्टर बोलने लगे कि अभी सर से ये हो रहा है, उसकी वजह से अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी डॉक्टर नाराज है, तो आप छह तारीख के बाद आना है। बच्चे को कितना दर्द है, 6 तारीख तक रुक सकता है? दवाई दे रहे, अब क्या करे, इतने दिन से रोक रखा है इसी चीज को लेके, यही इसी फिर दवाई देते और क्या करे मजबूरी में, जब दर्द नहीं सहन कर पाती है बच्ची। कितना उसको तकलीफ में है अभी? बहुत पेन होता है, जो हमको ही होता है, हम अपनी सोच को बच्चे को लगा लो, बच्चा तो कितना झेलता होगा, इसको बहुत पेन होता है। तो दिन रात आप लोग इसी की चिंता में लगे हैं? हाँ जी, हम रोज आते हैं, बस यही बोल देते हैं कि कल आना परसों आना, ऐसे हर रोज आते, सुबह निकलते 7 बजे, यहाँ पे पूरा दिन चला जाता है, ऐसे ही डोलते रहते, कोई तो देखेगा कोई देखेगा, ऐसे ही रहता है। इतनी ठंड में इतनी छोटी बच्ची को लेकर के सुबह में रोजाना आ रहे हैं, तो डर नहीं लगता है कि और तबीयत खराब हो? इसकी वजह से दिखाना पड़ रहा है ना, तो डर तो हमको लगता है कि हमारी छोटी बच्ची ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगी, लेकिन हिरनिया की वजह से हमें आना पड़ रहा है ना, कि हो जाए जल्दी तो इसके लिए ठीक है, इतना छोटा बच्चा दर्द कैसे झेलेगा, हम पे नहीं झेलेगा तो ये तो बहुत छोटा बच्चा है। दर्द कितना ज़्यादा है अभी इसको डॉक्टर? इतनी मोटी तो गांठ है मैम, उसमें बहुत दर्द होता है, हम दवाई देते हैं फिर भी चुप नहीं होती, थोड़ी सी और डोज बढ़ा के फिर देनी पड़ती है कि थोड़ा और ठीक हो जाए, इसलिए। तो कहाँ कहाँ गए, क्या डॉक्टर से बात करी, क्या बोला उन्होंने? मैंने बोला मैम हमें डेट दे दो, आपने 1 महीने से डुला रहे चेकअप के लिए, हम वो सब करा लाया, आप डेट दे दो। कहने लगी है कि 1 महीने से तो ये सब हो रहा है, तो इसकी वजह से हम आपको डेट अभी नहीं दे सकते, 5-6 तारीख के बाद आ रहा, उसके बाद भी पता नहीं हम आपको डेट देंगे ऑपरेशन की या नहीं देंगे, अभी कुछ नहीं पता है, डॉक्टर नाराज है, ऐसे बोलने लगे हैं। और आपने उनसे पूछा नहीं कि अगर इतनी दिन में बच्ची की तबीयत बिगड़ जाए या कुछ हो जाए तो कौन से? उन्होंने बोला इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जब डॉक्टर ही नहीं बैठे तो हम आगे के लिए कैसे बोल दें आपसे। प्राइवेट अस्पताल भी जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मतलब सरकारी अस्पताल होता है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आसानी से यहाँ पर खर्चा निकल जाता है, हर किसी के पास नहीं होता है। मैम प्राइवेट तो चली जाए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो हो जिससे लेके जाए, वो भी नहीं है, हस्बैंड की रोज़गार भी नहीं है, तो मैम इसी पे ही आना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ रहा है इसमें, और ये डॉक्टर ऐसे डुलाते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल के बारे में, क्या किया जाना? हम तो ये कह रहे हैं इतनी पूरी जनता इतने उसमें पड़ी है दुख में, तो सबकी देख ले, हाँ वो भी करो अपना जिस काम के लिए आप लग रहे हो, लेकिन इनको तो मरीजों को तो देखो रोड पे पड़े, हम भी अपनी छोटी बच्ची को छोड़ के आ रहे घर पे अकेला, गेट लगा के उसको, कोई बड़ी है वो बच्ची 2.5 साल की है, 2.5 साल की वो है, 4 महीने की है। हाँ जी, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक को छोड़ के आए हैं एक को लेके आए। हाँ जी, ठंड में इस जो है कह है कि ठंड में इतनी छोटी बच्ची है, आप बताइए कि क्या अभी इसकी हालत? दर्द है इसको बहुत ज़्यादा। आप कौन लग? बुआ श्वेता। कितना अभी आपका पूरा परिवार परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी को लेकर चिंता लगी रहती है सभी को, हर रोज़ ये पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे बोल रहे डॉक्टर, क्या बोले ऐसे बोल देते कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता, ब्लड चढ़वाने के लिए बोला हमने तो वो भी करवा लिया, थोड़ा हाथ पास जोड़े डॉक्टरों के, बोला कि ऐसे में कह रहे ऐसे में नहीं हो रहा, मैंने कहा मैम कर दो बच्चे को बहुत दिक्कत हो रही है, इतना बोल के फिर ब्लड चढ़वाया, फिर बोलने मैंने कहा अब तो कर दो ऑपरेशन, अब भी बोलने लगे कि अभी नहीं हो सकता, अभी ये सब हो रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर और दर्द उठा तो किस तरह से, छोटी बच्ची है बता भी नहीं पाएगी? नहीं बता पाएगी मैम। आपको किस तरह से जो है पता चलेगा? मैम बस ये रोती रहती है, हम इसको डांटते ही रहते हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं इसकी वजह से, सो भी नहीं पाते, दिन में सुबह के लिए यहाँ पे आ जाते, रात को इसे कोले के बैठे रहते हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। हाँ जी, बस ये है कि बच्चे का ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो जाए, रहने लगे ठीक से। मैम हम पे नहीं देखा जाता बच्चे का दर्द, लेकिन मजबूरी है, यहाँ पे चक्कर काटना पड़ रहा है। राम अवतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, ये फरीदाबाद से आए हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, और हाथों का जिनको ऑपरेशन होना था, आप देखिए किस तरह से इनके हाथ में प्लास्टर लगा है, अकेले ही कागजात पकड़े हुए ये फरीदाबाद से यहाँ आए हैं, और सुबह से भटके हैं, जिसके बाद इनको उनका इलाज नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया इलाज आपको? हड़ताल है डॉक्टर का। क्या बोले हो? अभी बोले कि हड़ताल खत्म हो जाएगी तब आना। और किस चीज़ को दिखाने ये हाथ में? का ऑपरेशन होना है, इस वजह से आज की डेट थी ऑपरेशन की, दिसंबर में डेट मिली थी तो आज थी, हम मना कर दिया, जब स्टाइल खत्म हो जाएगी तब आना। ये बोला है खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी कुछ पता चला? नहीं अभी तो कुछ नहीं बोला कब खत्म होगी, जब खत्म पता करते रहें, जब खत्म हो जाएगी तब आना। तो तब तक कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी आपको?
अब क्या करें मैम, दवाई ले रहे हैं, दवाई लिखा हुआ वही दवाई बाहर से ले लेते हैं और खाएंगे क्या करेंगे, दर्द तो है ही है तो दवाई बाहर से लेके खाते रहते हैं। हाथ का है बात मामला, काम काज पे भी असर आया होगा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काम काज कैसे कर पाएंगे जब हाथ ही नहीं, तो काम काज कुछ नहीं पा रहे, बच्चे हैं। और ऑपरेशन का टलने का मतलब है काम और टल जाना। काम तो अभी साल भर होने जा रहा है, 8 महीने हो गए, 30 अप्रैल का एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जब से यहीं दिखा रहे हैं क्या नाम है कुछ मतलब अभी तक हो नहीं पाया हाथ कंप्लीट हमारा। अब तो और टल गए हैं, और टल गया, अब तो करें जब वो हो जाएगा स्ट्राइक खत्म हो जाएगी तब आना, फिर देखते हैं क्या डेट देंगे, फिर डेट देंगे तब फिर पता चलेगा। स्ट्राइक तो पता नहीं, हाँ उसके बाद फिर डेट देंगे जब ही पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं पता है। लंबा खींच रहे हैं ये जो इतना लंबा आपका ये खींच गया है और ऑपरेशन, इससे आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कत तो बहुत है जी, क्या नाम है, जब काम ही नहीं कर पा रहे हैं, खाने खर्चा सब दिक्कत है, घर में भी बच्चे सबको दिक्कत है, किराए पर रहते हैं, कोई अपना मकान थोड़ी ना जी, तो आना जाना, आप पैसे वास्ता होते तो प्राइवेट में जाते, सरकारी है इसलिए तो दौड़ के आ रहे हैं, जब पैसे की दिक्कत है हॉस्पिटल में करा रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे। किसी तरह की कोई मदद कुछ? 150 रुपये सुबह आने का लगता है, 150 शाम को जाने का लगता है। कितने दिन से ऐसे करने आ रहे हैं जा रहे हैं? 2 दिन आते हैं, मंगलवार और क्या नाम है आपका शुक्रवार, 2 दिन आते हैं। ऑपरेशन हो जाता आज तो कितनी सहूलियत मिलती आपको? तब तो शांति मिल जाती जी, कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 दिन के बाद टांका कट जाता, कुछ हाथ चलने का वो हो जाता प्रोसीजर, पर अब देख लीजिए आपके सामने ही है सारा कुछ, इसमें कुछ नहीं हो सकता अभी तो, यही डॉक्टर ने बोल दिया हड़ताल है अभी, ये डॉक्टर कोई बैठा ही नहीं है उसमें कमरे में, गार्ड जो गार्ड रहते हैं गार्ड ने बोल दिया क्या नाम है अभी कुछ नहीं पाएगा, डेट दे दिया बस, जब हड़ताल ख़त्म हो जाएगी तब आना। कितने लोग ऐसे वापस लौट? हजारों लोग आते जाते हैं जी ओपीडी में, कम से कम कुछ नहीं तो आज 200 मरीज लाइन लगा रखे होंगे, वो सब वापस गए हैं। क्या कहेंगे इस हड़ताल के बारे में ये जो हो रहा है? मैम हड़ताल हो रहा है प्रशासन की ये वो है, अगर क्या नाम है जल्दी छूट जाए तो आदमी लाइन पे आ जाए, काम पे काम होने लग जाए, काम होगा जब भी तो आदमी परेशान है, परेशानी हटेगी। ये मैं आपको बता दूं पिछले 11 दिन से डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है, इस समय मैं सफदरजंग अस्पताल में मौजूद हूँ, और कल जो पुलिस ने कार्रवाई की थी डॉक्टर्स के खिलाफ, जब डॉक्टर्स मार्च निकाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट की ओर, तो उससे नाराज़ हैं डॉक्टर्स, और इसी के चलते आज भी वो दोबारा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में सफदरजंग अस्पताल में प्रदर्शन शुरू होगा। दरअसल मांग यही थी कि नीट काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि जो तनाव उन पर पड़ रहा है, जो मैन फोर्स की कमी उनको आ रही है, मैन पावर की कमी उनको आ रही है, उससे उनको निजात मिल सके। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इला काजमी, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।